हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर लेकर आता हूं टेली से रिलेटेड नए वीडियोस एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कंपनी के डेटा को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर जो कंपनी का डेटा है उसको किस तरह से हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम कई सालों का डेटा एक ही कंपनी में मेंटेन कर रहे हैं तो हमें उन फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट कर लेना चाहिए, ताकि यदि हम कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने पुराने सालों में तो वो उसका इफेक्ट हमारे नए सालों में नहीं आए। इस तरह से जब भी हमारी बैलेंसशीट फाइनल हो जाती है पुराने साल की, तो हम नए साल में आकर उस कंपनी को स्प्लिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी किस तरह से हम स्प्लिट करेंगे टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कंपनी ओपन कर रखी है सेल्फ लर्निंग के नाम से। यहाँ हमारी कंपनी ओपन है। अब मैं स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर F3 प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ पर स्प्लिट कंपनी में जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं वेरीफाई करूँगा कंपनी के डेटा को। यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूँ कंपनी के डेटा को। मैं इसे इंटर करते हुए एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें बता रहा है टेली नो एरर फाउंड। इसका मतलब कि जो हम स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को, उसके अंदर कोई भी एरर हमें नहीं शो हो रही है। यदि कोई एरर शो होती है इसके अंदर, तो टेली हमें यहाँ पर वार्निंग दे देता है और उसे सॉल्व करने के यहाँ पर ऑप्शन दे देता है। तो हम उसके थ्रू भी यहाँ से एरर को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इस कंपनी को स्प्लिट कर रहे हैं, वहाँ पर हमें नो एरर फॉर्म टेली दिखा रहा है। तो अब हम इसे एस्केप की सहायता से एस्केप करते हैं। अब हम जाते हैं सेलेक्ट कंपनी में इस कंपनी को स्प्लिट करने के लिए। अभी हमारा इसी कंपनी में दोनों साल का डेटा है। अभी हम इसे स्प्लिट करते हैं सेलेक्ट कंपनी करने के बाद में। यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ कंपनी को स्प्लिट फ्रॉम। यहाँ पर हमसे डेली पूछ रहा है कि हमें स्प्लिट कब से करना है। तो अभी मेरी जो कंपनी है करंट कंपनी, वो मेरी 1/4/2017 से 31/3/2018 तक की बनी हुई है। अब मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ 1/4/2018 से 31/3/2019 के लिए एक अलग कंपनी में बनाना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कंपनी स्प्लिट की रिक्वायरमेंट लग रही है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्प्लिट फ्रॉम, यहाँ पर डेट आएगी 1/4/2018। यहाँ पर टेली ऑटोमेटिक डेट पिक कर रहा है। अब मैं इसे यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेरी जो फर्स्ट कंपनी बनने वाली है सेल्फ लर्निंग के नाम से, वो पहली कंपनी बनेगी मेरी 1/4/2017 से 31/3/2018 की, और जो सेकेंड कंपनी बनेगी सेल्फ लर्निंग के नाम से, वो बनेगी 1/4/2018 से 31/3/2019 की। तो मैं इसे इंफॉर्मेशन को इंटर करते हुए इस इंफॉर्मेशन को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्प्लिट, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा डेटा कुछ ही सेकंड में स्प्लिट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस डेटा में एंट्रियाँ कम हैं। हो सकता है आपके पास में डेटा के अंदर पूरे साल की एंट्रियाँ हो, या ज़्यादा बड़ा डेटा हो तो वो आपको डेटा के हिसाब से कुछ टाइम भी ज़्यादा लगा सकता है, तो उसे आप इस तरह से चलने दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, हमारी कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। हमारे पास में तीन कंपनियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, पहली कंपनी जो हमारी सेल्फ लर्निंग के नाम से एज इट इज़ थी, वो हमारी यहाँ पर है। सेकेंड कंपनी हमारी बनी है 1/4/2017 से 31/3/2018 की, और जो नेक्स्ट कंपनी हमारी बनी है
1/4/2018 से तो अभी तक की। तो इसे मैं अब यह हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है, तो इसे मैं एस्केप की सहायता से गेटवे ऑफ टेली पर आ जाता हूँ। इसे सबसे पहले मैं शर्ट कंपनी करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं फिर से शर्ट कंपनी करता हूँ, अगेन शर्ट कंपनी करता हूँ। यहाँ हमारी तीनों कंपनियाँ बंद हो चुकी है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर करंट कंपनी जो कि 1/4/18 से 31/3/2019 तक की बनी हुई है, इसे मैं ओपन करता हूँ और इसमें मैं देखता हूँ कि हमारे ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र हो गए हैं या नहीं। तो मैंने ये कंपनी ओपन कर ली है। अब मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अल्टर F1 करता हूँ, यहाँ पर डिटेल इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे सन्ड्री डेटर्स है उसमें देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस शो कर रहा है हमें, ये देखिए फ्रेंड्स सभी डेटर्स के हमें ओपनिंग बैलेंसेस शो हो रहे हैं और सभी अकाउंट के इसमें ओपनिंग बैलेंसेस आ चुके हैं जो कि हमारे 31/3/2018 के जितने भी क्लोजिंग बैलेंस थे वो सभी एक नई कंपनी बनकर 1/4/2018 में आ चुके हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हम कंपनी को स्प्लिट कर लेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी करके किसी भी ईयर में हम अपना वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी या आपको टेली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या अपडेट्स की रिक्वायरमेंट यदि लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए टेली से रिलेटेड नए अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।